मैं एडवर्सिटी क्वेश्चन के बारे में बता रही हूँ तो थोड़ा सा अलग अलग जो क्वेश्चंस अवेलेबल है द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस उनके बारे में हम बात करेंगे. द फोरमोस्ट इज द इंटेलिजेंस क्वेश्चन. हम पैदा ही होते हैं और बच्चे की आईक्यू के बारे में बात करते हैं, कितना अच्छा आईक्यू होगा. बिकॉज फॉर ईच पेरेंट, फॉर ईच एजुकेटर, आईक्यू बच्चे का बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एंड आईक्यू इज द लॉजिकल एंड कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी. हम सब जानते हैं इस बारे में, तो ज्यादा आई डू नॉट नीड टू थ्रो लाइट ऑन दिस टॉपिक. दूसरा होता है इमोशनल क्वेश्चन. वी ऑल नो दैट हमारे अंदर कुछ कॉन्शियस और सबकॉन्शियस मेमोरीज होती है और वही मेमोरीज हमारे थॉट्स को जर्मिनेट करती है. हम जो सोचते हैं वो हमारे मेमोरीज के आधार पर होता है और हमारी सोच हमारे कैरेक्टर को बिल्ड करती है. आइदर वी आर वेरी सेंसिटिव, वेरी रफ, वेरी टफ, जैसे भी हमारे इमोशनल, तो उसको हम इमोशनल क्वेश्चन बोलते हैं. थर्ड इज सोशल क्वेश्चन. हम सब सोशल बींग्स हैं. हम जहाँ रहते हैं वी आर सोशल एलिमेंट्स. इफ वी आर स्टूडेंट्स, हम स्कूल कॉलेजेस में लोगों के बीच हैं. इफ वी आर वर्किंग प्रोफेशनल्स, हमारे साथ कोलीग्स हैं. हम रहते हैं, हमारा नेबरहुड होता है, घर में भी बहुत सारे लोग होते हैं, तो वी आर सोशल एलिमेंट्स. तो हमारी सोशल एबिलिटी एडजस्टमेंट कितना अच्छा है उसको हम सोशल क्वेश्चन बोलते हैं. एंड द टॉपिक व्हिच आई एम टेकिंग टुडे इज एडवर्सिटी क्वेश्चन. ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले मैं एक छोटी सी स्टोरी के थ्रू आपको बताऊंगी. ये स्टोरी बहुत फेमस हुई थी, बीच में न्यूज़पेपर्स में आई थी, नाम बस मैं नहीं लूंगी. एक बहुत ही सक्सेसफुल IITian स्टूडेंट था, पढ़ने में बहुत अच्छा था, IQ ऑफ कोर्स बहुत अच्छा ही होगा. बहुत जल्द उसको एक बहुत ही ल्यूक्रेटिव पैकेज पे जॉब मिल गया. उसने अपने मेहनत के आधार पे अपना एक बहुत बड़ा विला बनाया, फॉर्च्यूनर खरीदी थी, ऐसे पेपर में आया था, शादी हो गई, दो बच्चे हो गए, and he was very successfully leading his life. Something happened, उसकी कंपनी डिसॉल्व हो गई. कंपनी डिसॉल्व हो गई तो उसका जॉब चला गया. जॉब जाने के बाद उसने शेयर मार्केट में बहुत कुछ इन्वेस्ट किया हुआ था, बहुत कुछ उसके लोन्स चल रहे थे क्योंकि वो नई नई चीजें खरीदता था, तो उसके ऊपर डेब्ट्स बहुत ज्यादा थे. डेब्ट्स को मीट आउट करने के लिए उसको अपना पूरा फाइनेंस लिक्विडेट करना पड़ा, अपना विला, अपना कार सब कुछ बेचना पड़ा. बट इन द एंड इन सब के बाद उसने अपने डेब्ट्स को क्लियर कर लिया था. पर उसके बाद वो लाइफ में फिर से आगे कैसे बढ़े वो सोच नहीं पा रहा था. और उसने, उसकी वाइफ ने, मतलब फैमिली ने डिसाइड किया टू किल देमसेल्फ. उस आदमी ने पहले अपने बच्चों और बीवी को मारा था और फिर अपने आप को शूट किया था. एक्चुअली हम बच्चों को शुरू से ही सक्सेस के लिए तैयार करते हैं, पर फेलियर्स आए तो उसको कितने अच्छे से या कितना बैलेंस्ड वे से वो मीट कर पाए इसके लिए हम तैयार ही नहीं करते हैं. और साइंस प्रूफ करता है, साइकोलॉजी प्रूफ करता है कि जैसे हम किसी की IQ बढ़ा सकते हैं उसी तरह हम किसी का AQ भी बढ़ा सकते हैं. तो दिस इज the topic of today, that is adversity question, ki how well you are able to handle stress, pressure and failures in your life, that is adversity question. Aur iska direct correlation hota hai aapke success se, kyunki jitne successful aap ho utna bada failure aapka hoga. Hum example lenge, agar aaj Mukesh Ambani road par aa jata hai to uska failure mere failure se bahut zyada bada hoga. To inka direct correlation hai. And the people who are dealing with mental illness problems like depression and all, they actually have a low AQ level. Unka adversity quotient bahut low hota hai. Wo in cheezon ko, anxiety aur stress ko life mein handle nahi kar pate. Isiliye wo in mental illness ke shikar ho jate hain. AQ do tarike ki intelligence ko belong karta hai. The number one is kinesthetic intelligence. Kinesthetic is people who are physically very strong, like sportsmen ho gaye, actors ho gaye, surgeons ho gaye, jinka physical stamina bahut acha hota hai, wo kinesthetic intelligence ke under aate hain. Jo dusra type hai, that is naturalist intelligence, jinko nature se bahut pyar hota hai. Jo people plants, gardening bahut karte hain, photography karte hain, animal lovers hote hain, इन लोगों का ऑब्जर्वेशन और इंटरप्रिटेशन स्किल बहुत अच्छा होता है. सो दे आर नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस टाइप ऑफ पीपल. बेंजामिन फ्रैंकलिन का एक बहुत ही बढ़िया फ्रेज है, दैट इन दिस वर्ल्ड नथिंग कैन बी सेड टू बी सर्टेन एक्सेप्ट डेथ एंड टैक्सेस. हम अपनी जिंदगी में बात करें, जैसे भी हमारा जीवन है, हम
हमारे अंदर थोड़ा भी प्रेशर है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, तो वो किस चीज का है? व्हाट इज द रूट प्रॉब्लम? फियर. फियर किस चीज का? हमारे आसपास जो लोग हैं या जो चीजें हैं, मटेरियलिस्टिक नॉन मटेरियलिस्टिक, उसको खोने का. कहीं ना कहीं हम सब जानते हैं कि हमारे साथ जो भी लोग हैं, वेदर टेक इट माय पेरेंट्स, माय सिबलिंग्स, मेरे हस्बैंड, वाइफ, बच्चा, किसी ना किसी टाइम पे मेरी डेथ या उनकी डेथ हमको सेपरेट कर देगी. जो मटेरियलिस्टिक एक्विजिशन है, घर है, विलास है, फार्म हाउसेस है, आपने जो भी बनाया है, कभी भी वो एक अर्थक्वेक आ जाए सब मिट्टी का ढेर बन जाएगा. इसी तरह जो आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, जो आपने फाइनेंस जोड़कर रखा हुआ है, वो भी अभी डिमोनिटाइजेशन के टाइम में देखा कितने लोगों का पैसा ऐसे ही पानी में चला गया. सो वी ऑल आर एक्चुअली हैविंग फियर इनसाइड अस, और यही प्रॉब्लम है कि हम जीवन में डर डर के जी रहे हैं. इसीलिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा कि बस दो ही सत्य हैं, एक तो टैक्स भरना और दूसरा डेथ, क्योंकि डेथ से हम नहीं लड़ सकते. पर इन सब चीजों में सफर कौन कर रहा है? मतलब ये फियर मेरी चीजों के लिए, मेरी फैमिली के लिए, मेरे लिए, द सफरिंग, द सफरर इज मी, मैं. तो यहाँ बात आती है, मैं हूं कौन? हु एम आई? एम आई द बॉडी? ये फिजिकल बॉडी मैं हूं क्या? अभी जो मैं सांस ले रही हूँ, क्या मेरे कंट्रोल में है? अगर मुझे नेचर फॉल आता है तो क्या मैं उसको रोक सकती हूँ? अगर मैं अभी स्नीजिंग और हिकअप्स भी आते हैं तो क्या मेरा उस पे कंट्रोल है? किसी पे भी कंट्रोल नहीं है, क्योंकि ये बॉडी मैं हूं ही नहीं, ये नेचर या गॉड ने मुझे दी है एज अ कवरिंग. मैं इसके अंदर हूं, मतलब दैट इज होल्डिंग मी, बट इट्स नॉट मी. मुझे सिर्फ इसका ध्यान रखना है. तो बॉडी तो मैं नहीं हूं, ये शरीर तो मैं नहीं हूं, क्योंकि इस पे मेरा कोई कंट्रोल ही नहीं है. दूसरी चीज आती है माइंड, जिसको हम साइंस में ब्रेन कहते हैं. एंड अगेन मैंने बताया कि माइंड है योर कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस, बहुत सारी बचपन से लेकर अभी तक की मेमोरीज है. उन मेमोरीज के आधार पर, जिनके घर बहुत आध्यात्म होता है, बहुत स्पिरिचुअलिटी होते हैं, उनके थॉट्स बहुत आध्यात्मिक होते हैं. जो बचपन से ही लड़ाई झगड़े देखते हैं, उनके थॉट्स बहुत रूड से होते हैं. तो हमारी जो मेमोरी होती है वो हमारे थॉट्स बनाती है. पर क्या वो थॉट्स भी मैं हूँ? Those thoughts can be changed. I can transform myself. अगर आप सबने कभी भी सदगुरु जी को सुना हो, उनकी ईशा क्रिया जब होती है तो इनिशियली वो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के साथ यही बुलवाते हैं, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड. और वो कहते हैं दिन में कई बार बोलो आप कि आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड, क्योंकि ना ही मैं ये शरीर हूँ और ना ही मैं ये मस्तिष्क हूँ. Then the question comes, आखिर मैं कौन हूँ? Who am I? हम अलग अलग रिलीजन में सोल, आत्मा ये सब बोलते हैं, बट साइंस में इट्स एनर्जी. समथिंग समथिंग इज देयर जो मुझे चला रही है, कोई तो एनर्जी है. और फिजिक्स का एक लॉ है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड. एनर्जी ना कभी बनी है और ना ही कभी खत्म होगी. दैट मीन्स मैं थी, मैं हूं और मैं हमेशा रहूंगी. ये फिजिकल बॉडी छोड़ भी दिया तो मैं खत्म नहीं होती, मैं तब भी रहूंगी. Actually, जिस दिन हमने ये समझ लिया, that is enlightenment. And that leads to एक question के बारे में मैंने बात नहीं की थी, जिसके बारे में अभी research भी बहुत चल रहा है, that is the spiritual question. Actually, ये spiritual question के अंदर सारे questions आ जाते हैं, but आज का topic ये नहीं है, तो हम spiritual question के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे. कहा जाता है कि जब वृक्ष खड़ा होता है तो सारी यातना उस बीज, जो बीज आपने बिरोया है, पिरोरा है, अंदर मिट्टी में गया है, उसको लेना पड़ता है. जो सारा स्ट्रगल है, जो पेन है, जो मिट्टी का भार है, वो जितना अच्छा बीज अंदर आपने बोया होगा उतना अच्छा वृक्ष, क्योंकि वो उतनी अच्छी रूट्स डेवलप करेगा. इसी तरह हमारा जीवन है, जिस तरह के थॉट्स, जिस तरह का जीवन, जिस तरह का बीज हम बोएंगे, उसी तरह का वृक्ष हमारे जीवन में बनेगा. आप एक डायग्राम देख सकते हैं. ऑन द राइट हैंड साइड वी हैव ऑल पॉजिटिव इमोशंस एंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी हैव ऑल द नेगेटिव इमोशंस. तो दैट मींस अगर उस बीज के थ्रू हम सारा पॉजिटिव, अपने आप को डेली पॉजिटिव वाइब्स देते हैं, कुछ पॉजिटिव सुनते हैं, कुछ पॉजिटिव बोलते हैं, पॉजिटिव लोगों के साथ जीते हैं, तो हमारे अंदर पॉजिटिव इमोशंस आएंगे. बट इसी तरह अगर हम नेगेटिविटी के थ्रू जाते हैं तो हमारे अंदर नेगेटिव इमोशंस आएंगे.
एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, हम सब यूजुअली कहते हैं हाफ ग्लास ऑफ वॉटर। तो लोगों का नजरिया होता है, कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। मतलब कुछ लोग कहेंगे कि आधा ग्लास खाली है और कुछ कहेंगे कि आधा भरा हुआ है। तो लाइफ में बहुत सारी, किसी की भी लाइफ अकम्प्लिश्ड नहीं है, हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ कमी है। तो ये हमारा नजरिया है कि हम वो हाफ फिल्ड ग्लास को देखते हैं कि आधे खाली ग्लास को देखते हैं। और अगर हम आधे फिल्ड ग्लास को देखेंगे तो हमारे अंदर ग्रैटिट्यूड की भावना आएगी कि वी आर थैंकफुल टू दी दैट एनर्जी दैट ऑलमाइटी, कि जो भी दिया है उसके लिए आप ब्लेस्ड फील करेंगे। और सब कुछ एनर्जी का खेल है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन आप पढ़ें तो आपका ऑरा अगर पॉजिटिव है तो आपके साथ पॉजिटिव चीजें होती चले जाएंगे, आप पॉजिटिव लोगों से मिलेंगे। पर आप अगर अपने ऑरा को नेगेटिव रखते हैं, एक एग्जाम्पल है, किसी दिन मन में बहुत आ, आ, मन अच्छा नहीं रहता, कुछ नेगेटिव से ध्यान आ रहे हैं और उस दिन कहते हैं कुछ जरूर बुरा हुआ। ऐसा अक्सर लोग, बड़े लोग कहते हैं आज मेरा मन सुबह से ही ठीक नहीं था, आज मुझे पता था कुछ गलत होने वाला है, क्योंकि सुबह से ही मैंने अपने आसपास नेगेटिव एनर्जी जेनरेट कर दी थी। तो इट इज ऑल अबाउट द एनर्जी व्हाट वी आर जेनरेटिंग अराउंड अवर सेल्फ, हमारे ऑरा में जो एनर्जी हम जेनरेट कर रहे हैं। पॉजिटिविटी की मैं बहुत बात कर रही हूँ पर हम सबको पता है कहीं ना कहीं हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स आते हैं, मेरे अंदर भी आते हैं। तो परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? इतना आसान नहीं है कि बोल दिया पॉजिटिव सोचो और पॉजिटिव सोचा। अभी मुझे कोई कुछ कहकर चला गया, मुझे बड़ा बुरा लगा और मेरे अंदर नेगेटिविटी आ गई। सो व्हाट इज द परमानेंट सॉल्यूशन फॉर इट? फर्स्ट इज टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, द रूट कॉज। किसी भी चीज के लिए हमें रूट पे जाना पड़ता है। अगर आपका पेड़ अच्छे फल नहीं दे रहा है तो आप जो खाद होता है, जो मैन्योर होता है, वो आप रूट में डालते हैं तभी वो अच्छे फल या फूल देने लगेगा। सो वी ऑलवेज हैव टू गो टू द रूट प्रॉब्लम। देयर इज अ सेइंग कि देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू कैन चेंज इन लाइफ बट देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू कैन नॉट चेंज इन लाइफ एंड द ट्रू विजडम लाइज between discriminating what you can change and what you cannot change. जीवन में कुछ चीजें हैं जिनको मैं नहीं बदल सकती। मेरा कोई प्रियजन जो जिसकी मृत्यु हो गई, मैं उसको वापस नहीं ला सकती। पर अगर आज मैं किसी एग्जामिनेशन में अच्छा नहीं कर पाई तो मैं अगली बार मेहनत कर उसको और बेहतर कर सकती हूँ। तो विजडम वही होता है जब मैं डिफ्रेंशिएट कर पाऊँ कि मैं क्या चेंज कर सकती हूँ अपनी लाइफ में, क्या मेरे कंट्रोल में है और क्या मेरे कंट्रोल में नहीं है। सो डीलिंग विद दैट प्रॉब्लम, नोइंग दैट दैट विद दैट ट्रूथ प्रॉब्लम, आपको डिसाइड करना है कि उस प्रॉब्लम को छोड़ दे या उस प्रॉब्लम को फेस करें। इट इज सेड कि व्हाट कैन नॉट बी एंड्योर्ड कैन बी मस्ट बी एक्सेप्टेड। एंड्योरेंस इज हम में कितनी सहन शक्ति है पेन सहने की। तो अगर हमारे जीवन में कुछ ऐसा है जो हमको कष्ट दे रहा है और अगर हम उसको एंड्योर नहीं कर पा रहे, हम उसको सहन नहीं कर पा रहे, तो हम उसको एक्सेप्ट कर लें। वी शुड एक्सेप्ट इट एज गॉड्स विल। इफ यू हैव लूज सम डियर एंड नियर वन, मुझे दर्द हो रहा है उसके जाने से पर मैं उसे वापस नहीं लाती, तो उस बात को मैं एक्सेप्ट कर दूं क्योंकि वो परमात्मा की मर्जी थी। जीवन में सब कुछ आप देखें तो रिश्ते होते हैं एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है रिश्ते। पर रिश्ते दो तरीके के होते हैं। वन इज मैं अकेली हूँ, मैं लोनली हूँ, है ना। लोनलीनेस में पास एक केस आया है था दैट स्टूडेंट इज अ वेरी मेरिट होल्डर स्टूडेंट। उसने हमेशा 12th में ग्रेजुएशन में टॉप किया। नाउ शी इज अ मेकअप आर्टिस्ट। उसकी एंगेजमेंट भी उसी से हुई जिससे उसका बहुत लंबे टाइम से, स्कूल टाइम से अफेयर चल रहा था। हर मदर ब्रॉट हर टू मी और बोली कि ये जब अकेली होती, अकेले होने से बहुत डरती और बहुत रोती है और रीजन नहीं बताती। शी ऑलवेज नीड्स पीपल अराउंड हर। तो जो वो लोनलीनेस को या वैक्यूम को लाइफ में फिल करने के लिए हमको क्या चाहिए रहता है? हमको लव चाहिए रहता है, फैमिली चाहिए होती है, रिलेटिव चाहिए रहते हैं, फ्रेंड्स चाहिए रहते हैं। तो दैट इज जस्ट टू फिल अप दैट वैक्यूम। दूसरा होता है मैं एब्सोल्यूट कंप्लीट, मैं संपूर्ण हूं, मैं सत चित आनंद स्वरूप हूं। व्हाट इज दिस सत चित आनंद स्वरूप? सत दैट मींस सत्य, चित हर इंसान के अंदर एक चेतना शक्ति होती है एंड आनंद इज हैप्पीनेस।
अगर मैं वो स्वरूप हूँ तो आई एम ऑलवेज हैप्पी, आई एम फिल्ड, और तब मैं जो रिश्ते बनाऊंगी उस रिश्तों में मैं हैप्पीनेस या लव को शेयर करूंगी, आई विल ओनली बी द गिवर, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ देने का पात्र बनूंगी। अभी हम सब ने COVID-19 में देखा कि पीएम्स रिलीफ फंड में जैसे मुकेश अंबानी जी ने, अमिताभ बच्चन जी ने करोड़ में डोनेशन दिया, आपके घर की जो मेड है क्या वो 1 करोड़ डोनेट कर सकती है पीएम्स रिलीफ फंड में? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसके पास तो हैंड टू माउथ है, वो तो उतना भी नहीं कमाती कि वो अपना पूरा दिन का अच्छे से निकाल सके। तो जो चीज आपके पास है नहीं वो आप दे नहीं सकते। तो सबसे पहले आपको अपना रिजर्वायर फिल अप करना है, हमारे पास हैप्पीनेस हो, हमारे पास लव हो, इफ आई एम फिल्ड विद दैट देन ओनली आई कैन गिव द सेम थिंग टू द वर्ल्ड। तो दैट इज अ रिलेशनशिप, और वही कंसिस्टेंट रिलेशनशिप होता है व्हेन यू आर एब्सोल्यूट कंप्लीट। नहीं तो बहुत ही ट्रांजिटरी रिलेशनशिप्स होते हैं क्योंकि वो नीड पे बेस्ड है, और ऐसे लोग अक्सर आपको छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि वो पता, उनको पता रहता है आप उन पे डिपेंडेंट है। डिपेंडेंसी किसी को भी पसंद नहीं है लाइफ में। हमारी नीड के बारे में हम बात करें, ऐसा नहीं है कि मैंने बोला मैं बड़ी खुश हूँ और मुझे जीवन में कुछ चाहिए नहीं, मैं सिर्फ देना चाहती हूँ, या मैं अपने थॉट्स को हटा दूँ, ऐसा नहीं है। मुझे खाना रोज चाहिए, मुझे भूख लगेगी, दैट इज माई बॉडी, इट हैज नीड। अगर मैं अपनी फैमिली का सर्वाइवल देख रही हूँ तो मुझे उनको भी खाना देना है। इफ आई हैव अ फैमिली टू टेक केयर ऑफ, मुझे अपने बच्चों की परवरिश, उनका कम्फर्ट जोन देखना है। तो थॉट्स को मुझे कैसे यूज करना है इन अ पॉजिटिव वे, जहां पर मैं अपने वर्क और अपने बेटरमेंट के लिए आगे बढ़ सकूं। पर इस तरह का जो सक्सेस होता है, हम सब ने जीवन में कहीं ना कहीं सक्सेस को फील किया होगा, हो सकता है जो एग्जाम्स आपने दिए होंगे, जो परसेंटेज आप चाहते होंगे कभी आपने अचीव किया होगा, या जो जॉब आपको चाहिए होगा आपको मिला होगा, याद कीजिए कि वो खुशी जो थी वो कितने दिन तक थी, क्या आज भी वो खुशी आपके अंदर है? एक्चुअली दैट इज प्लेजर, और प्लेजर टेम्पररी और ट्रांजिटरी होता है, कुछ दिन तक होता है, उसके बाद हमारी चाहत कुछ और बढ़ जाती है, कुछ और पाने के लिए हमारी चाहत आगे बढ़ जाती है। तो जो हम सक्सेस से हैप्पीनेस को कोरिलेट नहीं कर सकते, सक्सेस से सिर्फ प्लेजर मिलता है, एंड प्लेजर इज ऑलवेज टेम्पररी। ऐसा नहीं है कि सक्सेस हमें नहीं चाहिए, पर उसको हम परमानेंट ना लें। हम ये ना सोचें कि आज अगर मैं एसोसिएट प्रोफेसर बन गई सपोज, तो दैट इज ऑल आई नीड इन लाइफ, इट्स नॉट। जिस दिन मैं बन जाऊंगी मेरा आगे एक और गोल खड़ा हो जाएगा, तो दैट इज वेरी ट्रांजिटरी। दूसरी होती है हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स। कई लोग डुअल पर्सनालिटी में जीते हैं, मैं बहुत आपको दिखा रही हूँ, आई एम वेरी पॉजिटिव, बहुत खुश हूँ, मुझे जीवन में बहुत सारी हैप्पीनेस है। तो जिस दिन मेरे अंदर कोई प्रेशर होगा मैं उसको रिलीज नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैंने तो आपके सामने अपने आप को ऐसा खड़ा किया हुआ है कि मैं बहुत ही स्ट्रांग पर्सनालिटी हूँ, खुश पर्सनालिटी हूँ। तो डोंट लिव अ डुअल लाइफ, लिव अ लाइफ ऑफ ट्रुथ एंड ऑनेस्टी। आज मैं खुश हूँ, मैं खुशी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, किसी दिन हो सकता है कि मैं लो फील कर रही हूँ और मुझे आपकी जरूरत हो, उस समय आप अपना प्रेशर को रिलीज करते हैं। जापान में ना, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में लाफ्टर क्लासेस चलती हैं, जापान में क्राइंग क्लासेस चलती हैं। एक्चुअली क्राइंग वहां माना गया है इट इज द बेस्ट वे टू टेक आउट इमोशंस, जो नेगेटिव इमोशंस से हमें बाहर निकलना रहता है। हम इंडिया में तो उसको बहुत नेगेटिव लेते हैं, कोई रोता है तो हम सोचते हैं कि शी इज वेरी वीक, एक्चुअली वो वीकनेस नहीं है, दैट इज टू हील योर सेल्फ। हमारे अंदर जो नेगेटिव इमोशंस है हम उसको वॉश आउट कर रहे हैं। तो इस तरह अगर आप ऑनेस्टी पे जीवन जीते हैं, ट्रुथ पे जीवन जीते हैं, तो इट विल बी इजी फॉर यू टू रिलीज प्रेशर व्हेन इट गेट्स इनसाइड यू। लाइफ में जर्नी हम सब की दो तरीके से होती है। आप में से कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ प्रोफेसर्स भी हैं, और हम सब इस समय एडमिशंस के लिए वर्क करते हैं, मैं खुद भी करती हूँ, और हम यूजुअली जो 12th में बच्चे हैं उनकी काउंसलिंग करते हैं। तो आपने भी ये फील किया होगा कि कई बच्चे इवन रिजल्ट आने के बाद या रिजल्ट आने से पहले एग्जाम्स तो दे थे, वो बोलते हैं कि अभी तक हमने सोचा नहीं है कि हमें क्या करना है। सो इसी तरह हम सब हैं, हम सब हमारी लाइफ में या तो एक अनप्लान्ड जर्नी चल रही है और कुछ लोगों की प्लान्ड जर्नी चल रही है। आई टेल यू द डिफरेंस बिटवीन द टू। हम सब डिपेंडेंट्स होते हैं, और अगर हमारी अनप्लान्ड जर्नी है
तो हमने कुछ नहीं सोचा, हमारे यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है सेल्फ डेवलपमेंट के लिए। मेरे फ्रेंड्स जहाँ एडमिशन ले रहे हैं तो मैं ले रही हूँ, किसी कॉलेज ने बोला कि स्कॉलरशिप है तुमको फीस नहीं भरना है, मैंने वहां एडमिशन ले लिया। सब्जेक्ट इसमें नहीं मिल रहा ये बेटर है, किसी ने बता दिया, मेरा तो कोई थॉट था नहीं, तो मैंने वहां एडमिशन ले लिया। एंड आफ्टर ऑल आई बिकम पैरासाइट, क्योंकि हो सकता है मुझे नहीं पता था कि मेरे में प्रोग्रामिंग स्किल्स तो है ही नहीं, और मैंने आईटी सेक्टर ले लिया, तो आई विल बिकम पैरासाइट, क्योंकि अब ले लिया है तो आई विल हैव टू गो थ्रू इट। एंड एट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ यू विल फील विक्टिमाइज्ड, क्योंकि जो आपका पोटेंशियल था, जो आपका एप्टीट्यूड था, आपने उस पे वर्कआउट नहीं किया, और लाइफ में बहुत देरी हो जाती है, फिर हम वापस नहीं आ पाते और हम विक्टिमाइज्ड फील करते हैं। दूसरा होता है प्लान्ड जर्नी। मुझे शुरू में ही पता है मुझे सीए बनना है, तो आई विल बी वेरी प्रोएक्टिव। मैं पहले उसके सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज फाइंड आउट करूंगी, आई विल गो टू द आईसीआई इंस्टीट्यूट टू फाइंड आउट व्हेन कैन आई गेट द एडमिशन, उसके लिए कौन से कोर्सेज हैं, कौन सी बुक्स को मुझे फॉलो करना है, क्या तैयारी करनी है, एंड दैट मेक्स मी फील वेरी इंडिपेंडेंट। और ऐसा जब होता है लाइफ में तो आप बहुत ब्लेस्ड फील करते हैं, बिकॉज आप शुरू से बड़े इंडिपेंडेंट रहे, दैट इज नोन एज अ विन विन सिचुएशन, क्योंकि आपको पता था आपको लाइफ में कहाँ जाना है। तो ऑलवेज गो फॉर अ प्लान्ड जर्नी इन योर लाइफ। हम कहीं पर भी हैं आगे, एटलीस्ट हमारी, ऑफकोर्स कई बार जो हम प्लान करते हैं वो हम नहीं अचीव कर पाते। यहाँ मैं उरी मूवी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल मुझे लगता है, जहाँ विक्की कौशल को पता चलता है कि वेन ही वॉज फ्लाइंग और वहां मिसाइल्स हैं, तो वो लोग उस प्लान को अबॉर्ट करना पड़ता है। तो लाइफ में जरूरी नहीं है हम एक ही प्लान बनाए, उसी की तरह उस टाइम वो बोलता है कि प्लान बी पे स्विच करते हैं, तो वी कैन हैव प्लान ए, प्लान बी एंड इवन प्लान सी इन अवर लाइफ, कि अगर मैं ये अचीव नहीं कर पाया तो आई हैव अ सेकंड प्लान और आई हैव अ थर्ड अल्टरनेट प्लान इन माय लाइफ। एक और छोटी सी कहानी, जहाज पे एक तरफ से एक दरवाजे से पानी आने लगा। जब पानी आने लगा तो कप्तान ने बोला कि सारे जितने भी वहां पे क्रू मेंबर्स थे कि यहाँ इस दरवाजे को होल्ड करो ताकि पानी अंदर ना आ सके। पूरा क्रू जितना था वो लग गया उस दरवाजे को होल्ड करने में ताकि वहां से पानी अंदर ना आए। पर कप्तान ने ये ध्यान नहीं दिया कि जहाज में और भी दरवाजे हैं, और पानी दूसरी तरफ से भी आ गया तो जहाज तो डूब ही जाएगा। इसी तरह हमारे लाइफ के कुछ पिलर्स हैं, जरूरी नहीं है मैं एक ही चीज पे काम करूं, मुझे उन सारे पिलर्स पे इक्वली काम करना है, तभी मैं एक अकम्प्लिश्ड जीवन, एक बैलेंस्ड जीवन जी सकती हूँ। सो हेयर आई हैव शोन द सिक्स पिलर्स ऑफ योर अकम्प्लिश्ड लाइफ, जिसमें सबसे पहले और सबसे प्रायोरिटी पे आता है आपका फिजिकल डेवलपमेंट। हम कहते हैं हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी। हमें जीवन में अगर मैं सेहतमंद हुई नहीं, मैं कुछ भी करना चाहूँ, मेरी बॉडी, मेरी हेल्थ मुझको सपोर्ट ही नहीं करेगी। सो हमको 4% ऑफ योर डे यू शुड डिवोट टू योर फिजिकल डेवलपमेंट। आप जैसे भी करते हैं, आप योगा करते हैं, आप एरोबिक्स करते हैं, जुम्बा करते हैं, वॉक ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिमिंग करते हैं, वट एवर वो आपका क्राइटेरिया होना चाहिए, बट यू शुड डिवोट एटलीस्ट 4% और 2 hours ऑफ योर डे फॉर योर फिजिकल डेवलपमेंट। द सेकेंड कम्स द मेंटल डेवलपमेंट, क्योंकि आज आज जो हम प्रॉब्लम बहुत ज्यादा फेस कर रहे हैं, हम देख रहे हैं यंगस्टर्स अपने जीवन के साथ खेल रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, सी सो मेनी साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट हैव कम इनटू, पहले हम इतना नाम नहीं सुनते थे, पर आज हर बच्चे को काउंसिलर और इनकी जरूरत पड़ती है, हीलर्स की। इट इज बिकॉज हमारा मेंटल डेवलपमेंट बहुत वीक होता जा रहा है। मेंटल डेवलपमेंट हम शुरू से ही बच्चे को सक्सेस और फेलियर के लिए तैयार करें, हम शुरू से ही उसको रोज इंट्रोस्पेक्शन रिट्रोस्पेक्शन करवाएं, दैट इज योर मेंटल डेवलपमेंट। हम मेडिटेशन जरूर करें, ज्यादा नहीं तो हम कुछ देर कंसंट्रेशन मेडिटेशन प्रैक्टिस करें ताकि हम अपने माइंड को बैलेंस करने की कोशिश कर सके। देन इज स्पिरिचुअल। कहा जाता है, कई लोग कहते हैं वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स गोइंग फॉर अ स्पिरिचुअल जर्नी, बट दैट इज रॉन्ग। वी आर एक्चुअली स्पिरिचुअल बींग्स ऑन दिस ह्यूमन अटेनमेंट, ह्यूमन जर्नी। तो हम सब तो, एंड स्पिरिचुअलिटी इज अ साइंस, इट्स नॉट अ रिलीजन। तो हम सब में स्पिरिचुअलिटी, और स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट जहाँ मैंने बोला था, जिस आपको समझ आया मैं कौन हूँ,
आपके अंदर वेस्टर्न गया, व्हाट्स द वर्क ऑफ माय लाइफ, उस दिन आप स्पिरिचुअल हो जाओगे. तो स्पिरिचुअल क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो हमें फील कराता है. कुछ लोग होते हैं इनको लगता है जीवन, आज ये COVID-19 ने समझा दिया कि जीवन आपके हाथ में नहीं है, आपके ऊपर कोई एनर्जी है दैट इज कंट्रोल्ड एवरीथिंग. इतना कुछ करने के बाद, साइंस के इतने एडवांसमेंट के बाद भी आज इंसान इतना मजबूर है, दैट इज दैट पावर दैट इज शोइंग अस कि वी आर नथिंग. So we should always feel that we have a greater power above us and that is holding everything. Then, जैसे मैंने पहले समझाया, we all are social elements. और interviews में तो आजकल बड़े-बड़े MNCs में देखा जाता है कि आपकी social adaptability कितनी है, क्योंकि आपको पता है जो भी projects होते हैं वो groups में होते हैं. तो that is very important when you go for an interview as well. Financial. मैं ये नहीं बोलूंगी पैसा नहीं चाहिए, पैसा ऑफ कोर्स चाहिए एक कंफर्टेबल लाइफ के लिए, इतना तो हो, बहुत इकट्ठा मत करके रखो, पर इतना कि आप अपने जीवन को बहुत कंफर्टेबली अपना फाइनेंशियल एबिलिटी आपकी होनी चाहिए. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज रिलेशनशिप्स. यूएस में एक स्टडी हुआ था और उस स्टडी में जो सारे सक्सेसफुल पीपल थे उनके आखिरी की जिंदगी में पूछा गया, देखा गया कि मतलब अल्टीमेटली हु, व्हाट ऑल द पीपल आर वेरी सैटिस्फाइड एंड हैप्पी इन देयर लाइफ. तो सक्सेसफुल सब थे, अटेनमेंट सबके बहुत ज्यादा थे, बहुत पैसा, बहुत यश, बहुत नाम सबने कमाया था. असल में खुश वो थे जिनके रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे थे, जिनके. तो हम यूजुअली क्या करते हैं, हम अपने जीवन में सक्सेस के लिए इतना भागते हैं, हम रिश्तों की कद्र नहीं करते. So we should have balancing there as well. हम रिश्तों की कद्र करें, हम relationships पे बिल्कुल जितना time और जितना effort देना है वो जरूर हम दिया करें. So हर pillar को, हर इस aspect को properly deal करना बहुत जरूरी है. Thought पहले भी बात की कि हमारे subconscious और conscious mind हमारे thoughts को develop करते हैं और हैं तो हम एक्शन करते हैं. मैं आज अगर सोचा था मैंने कि मैं ये टॉक आपके सामने दूंगी तो मेरे अंदर कुछ थॉट्स थे, उस थॉट्स को ही आज मैं एक्शन में लाई हूँ. द सेशन विल बी सक्सेसफुल और नॉट विल डिपेंड, बट ये मुझे एक कंफर्ट देगा एंड विल गिव मी अ कंफर्टेबल लाइफ. बट फिर से जो मैंने आपको बताया था कि हैप्पीनेस सक्सेस पे डिपेंड नहीं करता, दैट इज प्लेजर, हैप्पीनेस इज इम्पॉसिबल. हम सबसे ज्यादा पूरे दिन में कब खुश रहते हैं अगर हम सोचे तो? आप सब सबसे ज्यादा खुश होते हो जब आप रात को सो रहे होते हो, बिकॉज दैट इज अ थॉटलेस स्टेट. थॉट्स नहीं होते हमारे पास, हम कुछ सोच नहीं रहे हैं. तो एक्चुअली हमको थॉट्स को बहुत कंट्रोल्ड वे में यूज करना है. और कैसे यूज करें, हम ये मान लें कि थॉट्स हमारे अंदर है, हम थॉट्स के अंदर नहीं है, तो वी कैन ऑलवेज कंट्रोल इट. एक चीज और बताऊंगी, मैं इतना सारा बोल रही हूँ करने को पॉजिटिविटी, बट कुछ भी ऑल ऑफ अ सडन नहीं होता. आज मैं आपसे इतनी सारी बातें कर रही हूँ इसका मतलब ये नहीं कि आज ही आप में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा. एक पानी है जिसमें मैंने इंक डाल दिया, तो वाटर इज ऑफ ब्लू कलर. नाउ इफ आई हैव टू मेक इट वाइट, है ना, मैं धीरे धीरे उसमें प्योर वाइट वाटर डालती जाऊंगी तो नीला पानी निकलता जाएगा और कभी ना कभी वो रिजर्वायर जो है वो स्वच्छ हो जाएगा, वापस व्हाइट कलर का, व्हाइट पानी का हो जाएगा. इसी तरह एक टॉक या एक बार पॉजिटिविटी सुनने से जीवन में पॉजिटिविटी नहीं आती, दैट इज अ कंटिन्यूअल प्रोसेस. एवरी डे एवरी टाइम यू हैव टू गिव इट टू योर सेल्फ, देन ओनली समडे यू विल बिकम पॉजिटिव, यू विल हैव दैट पॉजिटिव एनर्जी. तो बेसिकली अगर हम इसको पूरा सम अप करें तो हमारी लाइफ की प्लानिंग के लिए तीन चीजें, तीन पिलर्स हैं. That is the body, the intellect and the emotion. Body, I said, is very important. अगर हम physical fitness पे नहीं काम करते तो हम कुछ भी नहीं आगे कर सकते, because body ही हमको help करता है. A healthy mind, a healthy body can help us to move forward. Then comes intellect. दिन में सुबह 5 से 10 मिनट आप रोज निकालिए अपने प्रोफेशनल और पर्सनल प्रायोरिटीज को लिखने में. कई बार मैंने बोला ना अनप्लान्ड होता है तो कुछ जरूरी काम भूल जाते हैं, तो हम अगर रोज लिख लें कि आज के मुझे ये काम करने हैं और उसकी प्रायोरिटी लेवल सेट कर दें, देन आई एम टेलिंग यू जो इमोशंस होते हैं ना वो उसके बाद काम करते हैं. इमोशंस बच्चे की तरह होते हैं. बच्चे का ब्रेन कैसा होता है कि आप उसको कुछ भी मना कर दो पर अगर उसको कुछ करना है तो वो जाकर वो करेगा ही. आप कोई चीज उसको बोलो नहीं छूनी है, बट
वो कैसे भी आपका ध्यान इधर हुआ उधर हुआ और वो जाके उस चीज को पकड़ेगा। तो इफ योर इंटेलेक्ट हैज प्रायोरिटाइज एंड उसने अपना बना लिया है टू डू लिस्ट, तो आपके इमोशंस उसको एग्जीक्यूट करेंगे, उसको अकम्प्लिश करेंगे। सो दीज आर द थ्री बेसिक पिलर्स, दैट इज द बॉडी, द इंटेलेक्ट एंड द इमोशन। सो फाइनली द सोल्यूशन फॉर ऑल दीज कि हम एडवर्सिटी को कैसे मीट आउट करें, इसके लिए कुछ पॉइंट्स को मैंने अब सम अप किया है। सबसे पहला मैंने, क्योंकि बोला सबसे बड़ी चीज जो हमारे अंदर होती है वो फियर होती है। हमारे जो आर्मी और डिफेंस पर्सनल्स हैं वो सरहद पे जब लड़ने जाते हैं तो उनके अंदर वो डर मौत का नहीं होता, उनके अंदर वो करेज होता है और इसीलिए वो लड़ पाते हैं। तो इसी तरह अगर किसी भी काम को करने का करेज आपके अंदर है तो आपके अंदर फियर नहीं आएगा, फियरलेसनेस हो जाएगी। तो फर्स्ट थिंग एंड द प्रायोरिटी थिंग इज हैव करेज टू डू एवरीथिंग। जो आप सोच रहे हो उसके लिए आपके अंदर करेज होना चाहिए, रिस्क लेना सीखिए लाइफ में। सेकेंड इज फील एम्पैथी। हमारे आसपास जो लोग हैं, जो इवन एनिमल्स हैं, उसके लिए हम एम्पथाइज हो, हमारे अंदर करुणा भाव हो। इसको दिल की दौलत कहा जाता है, वेल्थ ऑफ द हार्ट। और अगर ये नहीं है तो आप एक अच्छे इंसान, एक अच्छे ह्यूमन बीइंग नहीं बन सकते। वी डोंट हैव टू बी सेल्फ सेंटर्ड, हमें अपने आसपास के लोगों के बारे में भी सोचना है। आई एम एन आईटी पर्सन, तो ये पॉइंट मैं मिस नहीं कर सकती थी कि टू हैव एन एब्सोल्यूट फेथ इन टेक्नोलॉजी एंड टैलेंट। आज उन्हीं लोगों की डिमांड है जिनके पास टैलेंट के साथ टेक्नोलॉजी जिन्होंने सीखा हुआ है। कहते हैं परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, तो आज बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर्स भी होंगे या लेक्चरर्स होंगे जिन्हें कभी टेक्नोलॉजी यूज नहीं किया, पर आज इस वर्चुअल सिनेरियो में सबको सीखना पड़ गया। आपने टेक्नोलॉजी को अडेप्ट किया हुआ है, जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रहा है और जो भी आपका टैलेंट है, आपका सब्जेक्ट है, जो भी एरिया है, कैन बी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कैन बी इवन हेयर ड्रेसर्स वगैरह भी टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, तो आप कहीं पर भी सस्टेन कर सकते हैं बिकॉज यू नो दैट टेक्नोलॉजी गिव्स यू इवन टू वर्क एट अ रिमोट प्लेस एज वेल। अभी ही देख लें कि कोई भी आईटी पर्सन बेरोजगार नहीं हुआ था, वो वर्क फ्रॉम होम कर रहा था क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी थी। Then is converting challenges to opportunities. एक छोटी सी फिर से real story बता रही हूँ। मेरे घर के पास एक बहुत ही छोटी सी departmental store है और बहुत ही बुढ़ा सा old person उस departmental, बहुत ही छोटा है, बहुत सामान भी नहीं रखा था, but वो अपना मतलब hand to mouth जितना कमा लेता था। अभी जब ये COVID-19 हुआ, I got to know he has two sons और उसके दोनों सन्स बेरोजगार हो गए क्योंकि सारे जो बिजनेस थे शट डाउन हो गए थे, लोगों ने जॉब से निकाल दिया था। तो व्हाट ही डिड वाज उसका, उसने जो सामान है अपने घर पे स्टॉकिंग कर ली। एक बेटा दुकान के बाहर खड़ा रहता था और एक बेटा घर के बाहर, और उनका इतना बढ़िया सिंक्रनाइजेशन था कि जैसे ही, क्योंकि सबसे ज्यादा इस पीरियड में डिपार्टमेंटल स्टोर्स की ही डिमांड बढ़ी, तो उन लोगों ने इस तरह से सिंक्रोनाइज किया कि कुछ दिन बाद लोग उनको लिस्ट पूरे सामान की प्रोवाइड करने लगे। एंड देन दे कन्वर्टेड, आज वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये 4 महीने के चैलेंजिंग पीरियड में उन्होंने बहुत अच्छा बिजनेस सेटअप कर लिया। सो वी कैन ऑलवेज कन्वर्ट। अगर हम प्रॉब्लम लेंगे तो हम सॉल्यूशन ढूंढेंगे, बट अगर हम उस प्रॉब्लम को एज अ चैलेंज लेंगे तो वी कैन ऑलवेज कन्वर्ट इट इंटू एन अपॉर्चुनिटी। Then is choose your company wisely. It is always said, as the company, so the color. आपके आसपास जैसे लोग, आपकी सोच बन दी जाएगी। तो आप अपने आसपास के लोग, अपने friend circle, अपने जो लोग आपको help करते हैं, उनको आप wisely choose कीजिए। Yes sir. Hello. We have a limit of 40 minutes of Zoom, so we have a few minutes remaining, so either we I'll can continue the session or okay, or we can restart the session, ma'am. I need only 5-10 minutes more. Okay ma'am, so we have approx 1 to 2 minutes. Okay, so can we continue it again? Yeah ma'am, we can continue with the same ID and password. Okay, fine. Then let me finish these 2 points and then I need another 5 minutes. Okay. So this is my request to all the participants. If the session is discontinued due to the Zoom time limit,
So I request all the participants, please rejoin the session from the same ID and password. Thank you, ma'am. Please continue, ma'am. Okay. So the next point is ki judge yourself before judging others. Kabir ji ka ek doha hai, aap sabne suna bhi hoga. Ki bura jo dekhan main chalya, bura na milya koi. Bura jo dekhan main chalya, bura na milya koi. Jo man khoja apna. Jo man khoja apna, to mujhse bura na koi. So before judging anybody else, first to see yourself. आप अपनी कमियों को अगर देखेंगे तो आपको दूसरों में कमियां नहीं नजर आएंगी. हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है. परफेक्ट सिर्फ परमात्मा है. हम सब ह्यूमन बींग्स है. वी ऑल हैव गुड एंड बैड्स.